हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, लीब्रा कैल्क सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है लीब्रा कैल्क की। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पर क्या लिखा हुआ है? आपको यहां पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। यहां पर अगर आप क्लिक करते हैं, F2 प्रेस करते हैं तो भी आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि यहां पर कुछ लिखा हुआ है। अब ये लिखा हुआ क्या है ये हमें पता करने के लिए क्या करना होगा, और ऐसा अगर आप भी चाहते हैं अपने लीब्रा कैल्क वाली शीट पर करना तो क्या करेंगे, कैसे इसको हम कर सकते हैं, आइए समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो देखिए, इसको जो यहाँ पे लगाया हमने, यहाँ पर चले जाइए आप, और ये हिस्सा तो पहले से मैंने कर रखा है, तो ये कुछ इस तरीके से इसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर टूल्स पे चले जाइए। ठीक है, आप टूल्स पे जा सकते हैं, और टूल्स पे जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है प्रोटेक्ट शीट। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है द पासवर्ड कैन बी एम्प्टी। ठीक है, लेकिन यहां पर हमने पासवर्ड से इसे प्रोटेक्ट किया है। अब ये कैसे कैसे किया मैं आपको बताता हूं। पहले इसको अनप्रोटेक्ट कर देता हूं, इसको हटा देता हूं। तो यहां पे लिखा 1 2 3 4 5, तो इसे हमने टाइप किया, और यहां पे जैसे ही टाइप करके और ओके करेंगे तो यहां पे देखेंगे कि यहां पे इंटीजर फॉर्मूला लगा हुआ है। ये देखिए ना, इंटीजर फॉर्मूला इस सब में लगा हुआ है। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ ये बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो शीट यहाँ पे नई ले लेता हूँ मैं, और मान लीजिए कि ये सिलेक्टेड रेंज है और इसी रेंज में हमें कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसको एक डिफरेंट कलर भी प्रोवाइड कर देता हूँ, समझने में आसानी होगी। और यहाँ से बॉर्डर वगैरह भी बना देते हैं हम, ताकि ये क्लियरली आपको पता चलता रहे। अब हमें क्या करना है, इस सेल रेंज को हाइड करना है। ठीक है, हाइड करना है, और उससे पहले फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए मान लीजिए इंटीजर का ही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इंटीजर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इससे ये पता लगेगा कि यहाँ फॉर्मूला हमने लगाया है। आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं, इंटीजर भी लगा सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने int। ठीक है, और यहाँ पर int लिख करके 6 लिखा, और यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पे 6 आ गया है। ठीक है, और इन सब में इंटीजर फॉर्मूला अप्लाई हो गया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ और F2 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमें int फॉर्मूला दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, हमें इसे हाइड करना है। तरीके कई हो सकते हैं, एक तरीका जो बहुत ही पॉपुलर है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे रखिए और यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के साथ साथ आपको यहाँ दिखाई देगा फॉर्मेट सेल्स। आप कंट्रोल के साथ 1 शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा फॉर्मेट सेल्स। तो इस फॉर्मेट सेल्स में आपको ये सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, नंबर, फॉन्ट, फॉन्ट इफेक्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड, और यहाँ पे दिखाई पड़ेगा सेल्फ प्रोटेक्शन। तो बस आपको सेल्फ प्रोटेक्शन पे जाना है और यहाँ पर हाइड ऑल कर देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हाइड ऑल करने से पहले यहाँ पर हाइड फॉर्मूला भी कर दीजिएगा। तो इस पर भी टिक करके, और बस यहाँ से आपको क्या करना है, हाइड व्हेन प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के दौरान भी हाइड रखना चाहते हैं तो अभी इसको रहने देते हैं। तो ये हो गया ये, लेकिन अभी हाइड हुआ नहीं, तो ये हाइड होगा कब? यहाँ पर आपको टूल्स पे जाना है, और टूल्स पे जाने के बाद आपको करना क्या है, प्रोटेक्ट शीट पे जाना है, और यहाँ पर एक पासवर्ड डालता हूँ मैं। ठीक है, जैसे कोई भी एक पासवर्ड मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, ये दे दिया हमने, और फिर यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये इसको अनटिक कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत फिलहाल हमें है नहीं, तो यहाँ से ओके कर देते हैं। अब देखेंगे कि ये सारी चीज़ें गायब हो गई। अब यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, F2 भी प्रेस करते हैं तो आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी। दिखाई कब पड़ेगी? दिखाई तब पड़ेगी जब आप वापस टूल्स पे जाएंगे, और टूल्स पे जा करके आपको करना क्या है, प्रोटेक्ट शीट पे जाना है। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए जो भी आपका पासवर्ड रहा हो, वो पासवर्ड आप डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम पासवर्ड डालेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, पासवर्ड गलत डालेंगे तब नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो पासवर्ड सही डालना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई होप की बात समझ में आ गई होगी, और ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।